एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं खान सर की ठग लाइफ वीकेंसे वाली वीडियो, जहाँ पर तो भैया में फीचरिंग है मोदी, राहुल, जस्टिन एंड वी कैन से सैवेज मूवमेंट्स एंड खान सर ठग लाइफ बाई जीरो थॉट। और मतलब ये बहुत ज्यादा खान सर के हमने वीडियो देख ले, तो आज भी फिर से और खान सर के ठग लाइफ वाले वीडियोस है विद ऑल दैट सैवेज सैवेज एग्जांपल्स वी कैन से, जो हमें बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया मजा आता है। एंड सर मतलब एक बार जस्ट एक कोई कॉन्सेप्ट समझा दे तो दिमाग में ऐसे घुसता है ना, वाह क्या एक बार है यार, सीरियसली यार, इवन मतलब एक स्टडी को इतना ज्यादा जो वही तो स्टडी एंड सब कुछ है इतना ज़्यादा इजी बना देते हैं उसको बाय गिविंग हिज ओन एग्जांपल्स एंड व्हाट वे हैज बीन एक्सपीरियंस बाय ऑल दैट थिंग्स। और मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा मजा आता है इनकी वीडियोस देखने में। और वो जो सैवेज वी कैन से जो एग्जांपल्स होते हैं इनका, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पर दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ये वाला ठग लाइफ का खान सर की वीडियो बाय जीरो थॉट, हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे नेहरू हो चाहे मोदी जी हो, अगर आप दिल से पूछिएगा तो किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये बात हकीकत है कि खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में कांग्रेस ने लाई थी, जिसके तहत चावल 3 रुपए के लिए, गेहूं 2 रुपए के जी और मोटा अनाज जैसे बाजरा वगैरह 1 रुपए के जी देने की बात थी। लेकिन आप अगर इसके समय को ध्यान दीजिएगा तो 2013 में ही इसे लाया गया था। क्या उससे पहले गरीबी नहीं थी? क्यों? क्योंकि 2014 में इलेक्शन था। आप सब समझते हैं, सबकी नीयत एक जैसी होती है, कोई मतलब सबका एक ट्रेंड है चुनाव में कि हमें जीतना है, उसी हिसाब से हम काम, समझ में आ गया। जितना अभी लॉकडाउन के बीच में कितना ज़्यादा अनाज दिया गया गरीबों के घर पे, 30-30 किलो पहुँचाया गया, लाखों टन दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है कि हम ये विधेयक लाए थे, मोदी जी कह रहे हैं हमने पहुँचाया था। किसी ने कहा कि जो अनाज आप बांट रहे हैं उगाया किसने था? हर जगह मोदी जी क्या करते हैं, उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे, शायद इसीलिए मोदी जी बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इतने बड़े भीड़ को खाना कौन खिला रहा है। अरे भाई, बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? अब हद हो गई भाई साहब, अजीब दिमाग है इन लोगों का। अब बताइए, अब सैनिक के पास हथियार ना हो, शिक्षक के पास ज्ञान ना हो, लड़की के पास बाल ना हो और किसान के पास अनाज ना हो, ऐसा संभव है क्या? पृथ्वी पलट जाएगी भाई। पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों का पेट ये किसान ही भरते हैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको फंडिंग कौन कर। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब, इनके खेत का उगाया हुआ अनाज है और ये देखो कोई 5-स्टार होटल में नहीं बैठे हैं। जिस बिल्डिंग में इनकी मीटिंग बुलाई गई थी वो बिल्डिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज एसी थी और जहां ये किसान बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो इनको फोटानी नहीं है, इनको कोई आई अपना खुद का अन्न उगा रहे हैं। ये कहां से आप सवाल पूछते हैं कि इनको पास अन्न कहां से आ रहा है? जो ये सवाल पूछते हैं कि इनको खाना कौन खिला रहा है, हम आपको भी कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में भूखमरी आ जाएगी, पूरी दुनिया अगर खाना देने से आपको मना कर दे तो वाहे गुरु के आप किसी भी गुरुद्वारा में चले जाइएगा, आपका वहां पेट भर के खिलाया जाएगा और बिना आपका जाति धर्म पूछे भर पेट खिलाया जाएगा। और जो ये सवाल पूछते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं, इनके पैसे कौन दिए जाते हैं? फॉर्चूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों को एक टैगलाइन मिल चुका है कि भैया नेताओं की गाड़ी है। फॉर्चूनर देख के किसी को लगता है कि नेता के, 40 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई, आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर पूछेंगे कि एक टाइम का किसान खाना कहाँ से खा, भैया उसने खेत में उगाया है। आप अपने से पूछिए ना कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से उगाया गया है यहाँ पर। जबकि अगर आप देखेंगे विदेशों की बात करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो साहब, इनको कनाडा में चुनाव जीतना है, सीख का कि ये चुनाव जीत गए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अच्छे से इनको दबा दे दिया है कि भैया हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। जस्टिन ट्रूडो साहब से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी क्योंकि इनका आदत है दूसरे के मामले में टांग लड़ाने का। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रंप साहब है, ये देखिए ये जस्टिन ट्रूडो है, ये ट्रंप है। इनको क्या जरूरत है ये ट्रंप की मेहरारू से भी ना देखे, इसको देखिए, ये मिलियाना ट्रंप है बेचारा, घुसिया का चल गया यहाँ पर। इसको आदतें है भाई साहब दूसरे के चीज में टांग लड़ाने का।
हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप भारत में आइए, वसुधैव कुटुंबकम, आपकी इज्जत की जाएगी, बहुत अच्छे से इज्जत की जाएगी, लेकिन हमारे आंतरिक मामले में आप मत टांग लड़ाइए, समझ में आया कि नहीं, वरना आधा कनाडा खालिस्तान हो जाएगा। आप याद कीजिए 2013 का वो दिन जब संसद भवन ने ये विधेयक पास कर दिया था कि जेल में बैठा व्यक्ति जिसे 2 साल से ज्यादा की भी सजा हो गई है उससे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 साल से ज्यादा की सजा होनी चाहिए, उससे कम की सजा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो संसद ने ये पारित कर दिया था कि अगर 2 साल से ज्यादा या कितने भी दिन की सजा हो गई है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब 10 साल की भी सजा है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, 20 साल की सजा है तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। संसद ने 2013 में पारित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया और कहा कि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे, वहां से आकर उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, हम लोगों से गलत विधेयक पारित हो गया। आपको पता ही है कि बेचारे मनमोहन सिंह को लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि जनता के आगे हीरो बनने के लिए राहुल गांधी अगर पास हुए विधेयक को फाड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी आप क्यों नहीं फाड़ सकते? आप भी कह दीजिए कि हाँ, लोकसभा से ये गलती हो गई, हम इसे सुधार करेंगे। जय जवान जय किसान, उनको उनका हक मिलना चाहिए। लास्ट में जो सर ने बोला वो तो सही है, हक तो मिलना ही चाहिए भैया। एंड ऑल्सो ऑल द सेवेज थिंग्स यहाँ पर बेसिकली भी कहते हैं, यहाँ पर तो मुद्दा उठाया हमारे खान सर ने, जैसे एवरी टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ही मतलब होता है, अभी यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा मैच हो गया। मुझे पहले बात मैं ये बता दो, आई डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ द पॉलिटिक्स, तो इसलिए आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन खान सर का जो मतलब सावेज वी कैन से जो भी मुद्दे रखने का जो भी तरीका अभी यहाँ पे मतलब कुछ एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा सही है, एंड ऑल्सो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आई जस्ट मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता मोस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स से जो भी चल रहा होता है, इसलिए आई जस्ट मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आता और आई डोंट मतलब मैं उसके बाद में बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। लेकिन ये वाला जो वीडियो था बहुत ज़्यादा ही जितना था मतलब जितना तक समझ में आया, आई जस्ट थॉट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जो लास्ट सर ने बोला उनको मतलब हक तो मिलना ही चाहिए, मतलब उनके जो भी हक है, एंड ऑल्सो वही हमें फूड और मतलब सबको सप्लाई करते हैं एंड ऑल दैट थिंग, वो भी खान सर ने जो बोला वो भी सही है, अगर वो नहीं हो तो भैया कैसे ही चलेगा, है ना। तो खान सर की ये लास्ट के बारे में सीरियसली दिल को छू गई है, लास्ट वाला जो था मतलब हो रहा है अभी 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 पता नहीं अभी का कैसा है। तो मतलब इसके पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा रैली या जो भी मतलब हक के लिए लड़ रहे थे किसान रोड पर, मतलब वो सब आंदोलन चल रहे थे, अभी पता नहीं है या नहीं उसके बारे में उनको राइट दे दी गई है। लेकिन जो बोला है कि अगर किसान ही नहीं होंगे तो मतलब फूड कहाँ से मिलेगा, वो बात भी सही है, तो उनके राइट्स और उनकी मांगे पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो हम पेट कहाँ से भरेंगे, है ना। तो दैट इज इट फॉर टुडे, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।